हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शायन अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैथ के एक नए टॉपिक, एक नए टिप्स के साथ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा 50 के, 100 के, 150 के, 200 के, 250 के, 300 के, 350 के, 400 के, 450 के, 500 के, 550 के, 600 के, ये सब के नजदीक जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालना, वो भी चुटकी में, वो भी आप चुटकी में निकाल सकते हो। जी हाँ बच्चों, तो चलते हैं मेथड को समझते हैं। बच्चों, आपको मेथड समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक मेथड है उसको सीखना जरूरी है, तभी आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले 50 का स्क्वायर देखते हैं। 2500 होता है, तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो आपको निकालना 49 का स्क्वायर, आपको निकालना 49 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये दो अंक को लास्ट के छोड़ दीजिए। अब देखिए, आपको 50 में एक कम है तो 25 में एक घटाइए, 24, और 1 का स्क्वायर 01। अगर आपको निकालना है 47 का स्क्वायर तो 50 में 3 कम है इसीलिए घटाइए 25 में 3, इसीलिए हो गया आपका 22 और 3 का 09। अगर आपको निकालना 42 का स्क्वायर 50 में 8 कम है इसीलिए 25 में 8 घटाइए, तो हो गया 17 और 8 का स्क्वायर 64। ये हुआ 50 के इस पार, इसीलिए घटा रहे थे, उस पार देखिए तो जोड़ेंगे। अगर आपको निकालना 52 का स्क्वायर 25 में 2 जोड़िए 27 और 2 का स्क्वायर 04। अगर आपको 54 का स्क्वायर 25 में 4 जोड़िए 29 और 4 का स्क्वायर 16। अगर आपको निकालना 59 का स्क्वायर तो 25 में 9 जोड़िए 34 और 9 का स्क्वायर 81। ये तो हुआ 25 के नजदीक। अगर आपको 50 के बाद 100 के नजदीक की बात करेंगे तो आपको 50 से डबल करना पड़ेगा, इसीलिए आपको घटाने या जोड़ने में डबल करना पड़ेगा। चलिए मेथड को समझाते हैं। देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 का स्क्वायर होता है आपको 10,000, ठीक है। तो 20 छोड़ दिया, अब 100 की बात होगी। अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, इस बार एक नहीं घटाना, इस बार 2 घटाना। वजह क्या है, तो 50 से 2 गुना है, ठीक है ना। 50 से 3 गुना 150 के नजदीक अगर होगा, 4 गुना 200 के नजदीक होगा, तो आपको जितना गुना होगा उतना घटाइएगा। तो देखिए 99, तो 100 में 1 घटाना था तो नहीं, अब इस बार 2 घटेगा तो हो गया 98 01, मगर स्क्वायर आपको उसी का करना जितना आप घटा रहे हो, ठीक है ना। तो 1 घट रहा इसीलिए 1 का स्क्वायर। अगर आपको 97 का स्क्वायर करना है तो इस बार 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 94 और 3 का स्क्वायर 09। अगर आपको 92 का स्क्वायर करना है तो इस बार अब 8 नहीं घटाइएगा, इस बार 16 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 84 और 8 का स्क्वायर 64। अगर मैं आपको उस पार की बात करूं 102 का स्क्वायर, तो देखिए 2 नहीं 2 दूनी 4, मतलब 104 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको मैं बोलूं 105 का स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 आपको जोड़ना होगा, तो 110 और 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं आपको बोलूं 106 का स्क्वायर, तो 112 आपको लिखना होगा और 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो हुआ आपको 100 के नजदीक की बात। अगर आपको मैं 200 के नजदीक की बात बताऊं, तो देखिए सबसे पहले 200 का स्क्वायर 4 पे 4 0, ठीक है। 200 का स्क्वायर 4 पे 4 0, 2 0 छोड़ दीजिए, इसका मतलब 400। अगर आपको बात करें 199 का स्क्वायर, तो आपको 400 में इस बार 4 घटाना होगा, क्योंकि 50 चौके 200 होता है, इसका मतलब 4 घटाइए 400 में तो हो जाएगा 396 और 1 का स्क्वायर 01। अगर आपको बोले 197 का स्क्वायर, तो 3 चौके 12 आपको घटाना होगा, मतलब 400 में 12 घटाएगा 388 और 3 का स्क्वायर आपका 09। अगर मैं बोलूं 202 का स्क्वायर, तो आपको 2 × 4, मतलब आपको 400 में 8, तो 408, 2 का स्क्वायर 04। अगर मैं बोलूं 204 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना हो, 4 चौके 16 जोड़िए 416 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके सामने मेथड है। आप इसी तरह से 306 का स्क्वायर कमेंट में लिखिए और 147 का स्क्वायर कमेंट में लिखिए कितना होता है इसी मेथड से, और भी आप लिख सकते हो 652 का स्क्वायर भी इसी मेथड से आप लिख सकते हो। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे। और आपको बता दूं, अध्ययन क्लासेस और आस्क अकेडमी द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको घर बैठे जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स,
रीजनिंग जीके और जीएस प्रोवाइड किया जा रहा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप उससे भी जुड़ने की कोशिश करें। जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा होगा, उनको लाभ होगा, और इतना गारंटी जरूर लेंगे कि उनका लेवल अगर यहाँ होगा ना तो उनका लेवल यहाँ हो जाएगा। तो जुड़ने की कोशिश करें हमारे चैनल से। तब तक के लिए अलविदा।